पख्तूनख्वा एहतसाब कमीशन के वफाफी सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हामिद खान ने दावा किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला परवेज खटक अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस है। जियो न्यूज के प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफी से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि परवेज खटक के खिलाफ माइंस करप्शन केस का रेफरेंस तैयार है। बहुत जल्द ही अगर वो कार्रवाई जारी रही तो बहुत जल्दी एक माइंस का एक केस है जो कि रेफरेंस की शेप में तकरीबन तैयार है, वो हमारे अकाउंटेबिलिटी अदालत जो है एहतसाब अदालत उसमें पेश हो जाएगा, उसमें उनकी तरफ जरूर रेफरेंस है। चीफ मिनिस्टर की तरफ? जी, यानी वो भी उसमें शरीक मुलजिम हो सकते हैं माइंस केस में जो जियाउल्लाह वाला है? शरीक मुलजिम कह लें या अपने दफ्तर का इस्तेमाल किया गया हो। अच्छा जी, तो ये इस मामले पे वो नाराज थे या कोई उनकी ख्वाहिश थी कि आप ये कार्रवाई रोके? नहीं, मेरे साथ उन्होंने किसी चीज का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने मेरे साथ तो इस चीज की बात भी नहीं की है, लेकिन ये बात जो है मैंने एहतियातन उनको जरूर बताई थी कि ये इस किस्म की बात आ रही है। और एक मैंने सुना है कि जो तंगी का माइंस का मामला है वो भी एक बड़ा स्कैंडल है और आप लोग उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे? वो तो हो रहा है, उसी की तो मैं फिक्र कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ हाँ, और उसमें भी चीफ मिनिस्टर का कोई ना कोई रोल आ रहा था? उसी में आ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हामिद खान का ये इंटरव्यू आप देख सकेंगे कल रात 10:05 पर प्रोग्राम चर्चा में जियो न्यूज पर।